और देखिए नरेंद्र मोदी शाम 7:15 पर मंत्रियों के साथ शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह की बात करें तो 7 देशों के मेहमान इसमें शामिल होंगे। कई मेहमान तो दिल्ली पहुंच भी चुके हैं। शपथ ग्रहण को लेकर के दिल्ली में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अगर बात करें पूरी दिल्ली की तो हाई अलर्ट पर है। 2 दिन के लिए दिल्ली में नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। बस चंद घंटे बचे हैं जब देश के प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे। राष्ट्रपति भवन का ये फोरकोर्ट उस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनेगा जब पीएम मोदी लगातार तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रविवार की शाम 7:15 पर नरेंद्र मोदी को शपथ दिलाएंगे। नरेंद्र मोदी के साथ उनके मंत्रिपरिषद के 52 से 55 मंत्री भी शपथ लेंगे। राष्ट्रपति भवन के फोरकोर्ट में शपथ ग्रहण समारोह होगा। नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं जो ऐतिहासिक है, लिहाजा नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण समारोह भव्य बनाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी गई है। उनके शपथ ग्रहण में 7 देशों के राष्ट्राध्यक्ष मेहमान के तौर पर शामिल होंगे, जिनमें बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना, नेपाल के पीएम पुष्प कमल दहल प्रचंड, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू, भूटान के पीएम शोरिंग तोबगे, मॉरिशस के पीएम प्रवीण जगन्नाथ, सेशल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीक, श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रम संघे शामिल हैं। बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना और सेशल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीक दिल्ली पहुंच गए हैं। ऐसी संभावना है कि शपथ बाद नरेंद्र मोदी भारत दौरे पर आए नेताओं के साथ अलग अलग बैठक करेंगे। भारत और मालदीव के तनावपूर्ण संबंधों के बीच म्यूजो का मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होना अहम माना जा रहा है। चीन का समर्थक माने जाने वाले म्यूजो के राष्ट्रपति बनने के बाद पिछले वर्ष नवंबर से भारत और मालदीव के बीच संबंध तनावपूर्ण बने हुए हैं। मोदी शपथ ग्रहण में विभिन्न क्षेत्रों की प्रमुख हस्तियां, जिनमें वकील, डॉक्टर और कलाकारों को न्योता दिया गया है। मेहमानों में विकसित भारत के राजदूत, केंद्र सरकार की योजना के लाभार्थी, आदिवासी महिलाएं, वंदे भारत मेट्रो ट्रेन के लोको पायलट और सफाई कर्मचारी शामिल होंगे। साथ ही करीब 50 प्रतिष्ठित धार्मिक नेताओं को भी आमंत्रित किया गया है। पीएम के मन की बात के प्रतिभागी और पद्म पुरस्कार से विभूषित शख्सियत भी शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री जी के ओथ टेकिंग सेरेमनी में हमें इनवाइट किया है हमारे ऑफिसर्स के तरफ से। हमें बहुत बड़ी खुशी है कि हमें इस फंक्शन में सहभाग होने का मौका मिला है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।